शनिवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में 47 केंद्रों पर 4,946 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया, जिसमें फर्स्ट डोज लेने वालों में 782 और सेकेंड डोज लेने वालों में 3,164 लोग शामिल रहे। जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि वैक्सीनेशन के लिए 2 महिला स्पेशल बूथ, 2 अभिभावक स्पेशल बूथ, मेडिकल कॉलेज, एम्स, सीएससी, पीएससी सहित 47 केंद्र बनाए गए थे, जिसमें शनिवार को 3,946 लोगों को कोविड का टीकाकरण किया गया। सीएमओ ने कहा कि जिले में अब तक करीब 28 लाख से ऊपर लोगों को कोविड का वैक्सीनेशन किया जा चुका है। सीएमओ ने कहा कि आंकड़ों के मुताबिक करीब 2 लाख लोग प्रथम डोज लेने के बाद समय पूरा होने पर भी दूसरी डोज नहीं लिए हैं। सीएमओ ने ऐसे लोगों से अपील किया है कि सेकेंड डोज अवश्य लें और सुरक्षित रहें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कितना लग गया होगा अभी तक? 30। हाँ, हमारे जिले में जनपद गोरखपुर में अभी तक हमने 27,25,000 से ज्यादा डोजेज हमने वैक्सीनेशन कर दिया है, और उसमें से प्रथम डोज जो है 21,24,000 से ज्यादा का है और द्वितीय डोज जो है 6 लाख से ज्यादा का है। इधर मेरा हमारे जिले में करीब 40 बूथों से लेकर के जिस दिन मेगा कैंप होता है उस दिन 200 तक बूथों तक हम वैक्सीनेशन करते हैं। तो हमारे जो गोरखपुर जो है टोटल प्रदेश में चौथे या पांचवें स्थान पर है जो कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन किया हुआ है। हम जनता से अपील करते हैं कि हमारे पास वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में है। आप लोग जब भी आपको मौका मिले समय से आकर के हमारे सेंटरों में वैक्सीनेशन कराएं और जिससे हम कोरोना को भगा सकें। ज्यादातर हमारे सेंटर जो है मेडिकल कॉलेज में चल रहे हैं, एम्स में चल रहे हैं, हमारे दोनों जिला अस्पताल महिला पुरुष और हमारी जितनी अर्बन पीएससी हैं, 20 हमारी अर्बन पीएससी है वहाँ चलता है, 20 हमारी सीएससी है वहाँ चलता है, और हमारे सब सेंटरों पर भी गांव-गांव तक हमारे सेंटर चल रहे हैं। तो करीबन कम से कम हम एक दिन में 50 सेंटर से लेकर के 200 सेंटर तक लगाते हैं। तो आपको जब भी मौका मिले आप जरूर वैक्सीनेशन कराएं, और हमें खासकर उन लोगों से अपील है जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है। इस तरह के लोग 2 लाख लोग इस तरह के हैं जिनका सेकेंड डोज ड्यू हो गया है लेकिन वो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन नहीं कराए हैं, तो उनसे हमारी अपील है कि वो हमारे स्वास्थ्य केंद्रों पर आकर के सेकेंड डोज जरूर लगवाएं, जिससे कि 100% हम कोरोना से सुरक्षित हो जाएं और जिले को कोरोना मुक्त कर सकें।